वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हाँ प्रेरणा कौर ते तुसी वेख रहे हो अकाल चैनल। गल करांगे सिक्की इतिहास दे बारे। बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म आनंदपुर साहिब दे विखे सन 1696 ईस्वी में होया। आप जी गुरु गोबिंद सिंह जी दे तीसरे साहिबजादे सन। आप जी शुरू तो ही निडर सुभा दे मालक सन। तकरीबन 9 साल की उम्र दे विच बाबा जोरावर सिंह जी ने शहीदी प्राप्त करके एक मिसाल पैदा की अते जुलम दे खिलाफ लड़न दे लई लोकां नूं हलूणा दित्ता। 1704 ईस्वी नूं जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब दा किला छड्या तां उस समय सरसा नदी दे विच हड़ आया होया सी। इस समय जालम हाकमां ने गुरु गोबिंद सिंह जी ते हमला कर दिता। सरसा नदी दे कंडे ते घमसान दी जंग हुई। गुरु साहिब दा परिवार तीन हिस्सों दे विच वंडिया गया अते नाल दे सिंह भी गुरु गोबिंद सिंह जी तों विछड़ गए। पाशा तों विछड़े माता सुंदर कौर जी भाई मनी सिंह जी दे नाल दिल्ली वल नूं चले गए। माता गुजरी जी दे दो छोटे साहिबजादियां दे नाल सिरसा कंडे ते चलदे चलदे मुरिंडा पहुंचे ते अपने रसोईए गंगू बामण दे घर ठहर गए। गंगू मामण दी नीत बदनीति हो गई। उसने माता जी दी मोरां वाली थैली चोरी कर लीती अते वड्डे इनामां दे लालच दे विच सूबा सरहंद नूं माता जी अते छोटे साहिबजादियां दे अपने घर होण दी सूचना दे दित्ती। दिन चढ़दे ही तिन्हां नूं गिरफ्तार करके सूबे दी कचहरी दे विच पेश कर दित्ता गया। तीन दिन लगातार साहिबजादियां नूं इस्लाम कबूल करन दे लई लालच अते डरावे दित्ते गए पर उह अडिग रहे अते आखर छोटे साहिबजादियां नूं जो है नीहां दे विच चणवा के शहीद कर दित्ता गया। शहादत तो बाद इस जगह ते छोटे साहिबजादियां दा संस्कार किया गया। उस जगह ते अज गुरद्वारा ज्योति स्वरूप मौजूद है। साहिबजादियां दी शहादत हलीमी रास दी स्थापना दे लई हुई। बाबा जोरावर सिंह जी दे जन्म दिहाड़े ते अकाल चैनल दे वलों आप जी नूं लख लख वधाइयां होण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।